कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, जगकर आकाश की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि भोर होने से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक घनी हो जाती है। अर्थात जब समस्याएं अपनी चरम सीमा पर होती है तो उनका हल निकट होता है, परंतु जो इस अंधकार से हार जाता है वो इस अंधकार में डूब जाता है, और जो संघर्ष करता है वो उस अंधकार से उभर आता है। सदैव स्मरण रखिएगा, अंत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसके पश्चात एक नया आरंभ फूटता है, एक नया उदय होता है। चक्रवात के पश्चात जो शांति छाती है, उसके पश्चात प्रारंभ होता है शुभ जीवन का, शुभ भविष्य का, शुभ नव प्रारंभ का। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है, और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं।